नमस्कार, मैं हूं राजेश सिंह। हमारे साथ हैं नीति आयोग के वाइस चेयरमैन श्री अरविंद पनगड़िया जी। बजट आने वाला है सर, और नीति आयोग को बनाया गया था, उसका गठन हुआ था कि गवर्नमेंट का थिंक टैंक होगा नीति आयोग। तो सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि किस तरह के बदलाव इस बार बजट में हम देख सकते हैं। क्या वो ज़्यादा जॉब ओरिएंटेड होगा, ग्रोथ पे ज़्यादा फोकस होगा? क्या नीति आयोग के क्या रिकमेंडेशन है सरकार को बजट के लिए? अभी थोड़ा अर्ली है इस बात पर कुछ कहना, पर ये तो निश्चित है कि सरकार की जो प्रायोरिटी है वो जॉब्स की सबसे ज़्यादा है, तो जॉब्स का तो इसमें ज़रूर इस पर जोर दिया जाना चाहिए। यूँ तो आप जानते हैं कि ये बजट जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री के तहत आता है, इसीलिए हम पूछ रहे हैं आपका रिकमेंडेशंस क्या है। तो निश्चित रूप से हमारा एक तो रहेगा ही कि इस बजट में जो है जॉब्स पर ज़्यादा जोर दिया जाए, ख़ासतौर से हमारे देश में जो है इनफॉर्मल सेक्टर जॉब्स ज़्यादा हैं, फॉर्मल सेक्टर जॉब्स कम हैं। तो जो नीतियाँ आगे चलकर हमें बनानी है वो ऐसी हों जो फॉर्मल सेक्टर के जॉब्स को प्रमोट करें। इसमें ऑलरेडी थोड़ा जो है तेज़ी डिमोनेटाइजेशन के कारण भी आनी चाहिए, क्योंकि जनरली जो है डिमोनेटाइजेशन इकोनॉमी का फॉर्मलाइजेशन की तरफ ले जाएगा। तो ये ऑलरेडी उस तरफ कदम है और इस कदम पे इस दिशा में हमें और आगे बढ़ना चाहिए। बट डिमोनेटाइजेशन को लेकर सर कुछ अप्रिहेंशंस ये आ रहे हैं कि डिमोनेटाइजेशन होने के चलते, और देखा भी गया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, कंस्ट्रक्शंस में, खासकर जो लेबर इंसेंटिव सेक्टर्स हैं, लेदर की बात करें, टेक्सटाइल की बात करें, वहाँ स्लो डाउन आ गया है। इसको रीसेट करेक्ट करने के लिए आगे नीति आयोग के क्या सुझाव हैं, सरकार को क्या करना चाहिए? हाँ नहीं, अभी तो ऐसा है कि जो डेटा आने चाहिए हमारे पास अभी आए नहीं हैं, तो इसलिए मैं इस विषय में कि भाई क्या असर हुआ है डिमोनेटाइजेशन का अर्थव्यवस्था पर और ग्रोथ पर, इसके लिए हमें स्टिल वेट करना चाहिए कि जो रिलायबल डेटा कब आते हैं, क्योंकि अभी जो सीएसओ ने भी एडवांस एस्टिमेट दिया है जीडीपी का, वो पहले छः महीने यानी कि अक्टूबर एंड तक के ही डेटा को यूज़ कर। आरबीआई ने कहा है कि 0.5% तक ग्रोथ आरबीआई का एस्टिमेट है कि घट सकता है, डिफरेंट रेटिंग एजेंसीज ने सर अप टू 2% तक कहा है। नीति आयोग में स्पेकुलेशन है, पर ये कहने के बाद जो है आपने जो प्रश्न ये पूछा है कि आगे चलकर हमको क्या करना चाहिए, तो इसमें जो है एक तो हमें जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को बढ़ाते रहना होगा, क्योंकि अभी भी प्राइवेट जो इन्वेस्टमेंट है उसमें जितनी गति होनी चाहिए उतनी अभी नहीं आ पाई है। तो इसलिए पहली बात तो ये है कि भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ावा देने का काम अभी भी पब्लिक एक्सपेंडिचर पर ज़्यादा है, उसका वजन पब्लिक एक्सपेंडिचर पर ज़्यादा है, तो उसको हमें एक तो ये करना चाहिए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को आगे चलकर बढ़ाना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमें ज़्यादा जोर देना चाहिए, रेलवेज़, रोड्स, शिपिंग वगैरह पर भी लिए, हर तरीके से। हमारी नेचुरल वेल्थ भी बहुत गजब की है, हमारी हिस्टोरिकल वेल्थ भी बहुत गजब की है, तो इसको हमें लीवरेज करना चाहिए टूरिज्म के लिए। तो टूरिज्म जॉब क्रिएटर भी है, तो टूरिज्म में भी ये किया जा सकता है। हाउसिंग का प्रधानमंत्री ने खुद जो है 31 दिसंबर वाला जो भाषण उन्होंने दिया था उसमें कई नए इंसेंटिव्स उन्होंने दिए इंटरेस्ट रेट सबवेंशन के, तो हाउसिंग जो है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है काफ़ी अच्छे जॉब क्रिएटर सेक्टर है, तो इसको बढ़ावा मिल सकता है। सो इस तरीके से कुछ कदम उठाए जा सकते हैं, कुछ कदम उठाए जा चुके हैं जो जॉब क्रिएशन की प्रक्रिया को तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। क्या आपको लगता है एक दूसरा जो सबसे बड़ा गवर्नमेंट का फ्लैगशिप स्कीम है जो कि पिछले गवर्नमेंट में था मनरेगा, और इस गवर्नमेंट ने भी उसमें फंड को काफ़ी बढ़ाया है, शायद 48,000 करोड़ तक का वो फंड हो चुका है, लेकिन वहाँ स्किल की कमी है, क्या आपको लगता है उसको स्किल डेवलपमेंट से लिंक करके बजट में कुछ करना चाहिए? हाँ, तो इसमें खैर मेरा तो ये रहा है कि भाई हमें मनरेगा के जो फंड्स हैं उनको स्किल्स के लिए यूज़ करने चाहिए, पर इसमें जो है लेजिस्लेशन जो है मनरेगा का वो परमिट नहीं करता। जो मनरेगा का जो लेबर बजट होता है उसको अनस्किल लेबर पर ही खर्च किया जा सकता है, पर इसलिए इस सरकार ने, क्योंकि अभी लेजिस्लेशन को चेंज करना ज़्यादा मुश्किल है, इस सरकार ने काफ़ी जो है कन्वर्जेंस करने की कोशिश की है। सो जिसमें जो अगर अनस्किल्ड कंपोनेंट है किसी प्रोजेक्ट का तो वो मनरेगा से ले लिया जाए,
और स्किल कंपोनेंट है वो कुछ तो खैर मनरेगा का ही जो 40% होता है मटेरियल्स वगैरह पे उस वाले में से कुछ आ सकता है, पर ऑल्सो स्किल क्रिएशन के लिए दूसरी जो स्किल क्रिएशन के स्कीम्स हैं उनके साथ कन्वर्जेंस करने की कोशिश की है। तो इस सरकार ने काफ़ी जो है पब्लिक एसेट्स को लेकर भी ऐसी नीतियाँ अपनाई हैं कि पब्लिक एसेट्स कॉन्क्रीट पब्लिक एसेट्स बन सकें। एजुकेशन, इन सब सेक्टर्स में बहुत रिफॉर्म्स की जरूरत है। आपको क्या लगता है कि जैसे एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में इंडिया अभी भी बहुत अच्छा नहीं कर पा रहा है, हेल्थ केयर की अगर आप बात करें तो वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर हमारे पास नहीं है, हेल्थ इंश्योरेंस तो नील के बराबर है, इंडिया में बहुत कम है। इस सेक्टर्स में रिफॉर्म्स की, किस तरह के रिफॉर्म्स की जरूरत है और सरकार किस तरह की काम कर रही है? ये हेल्थ का सेक्टर तो निश्चित रूप से हमें हर तरीके से आगे बढ़ाना है, क्योंकि अभी हमारे पब्लिक एक्सपेंडिचर्स जो हैं हेल्थ में वो काफ़ी कम हैं। कुल मिलाकर अभी हमारा जो है लगभग जो आंकड़े मुझे ध्यान में है 1.2% 1.2% ही जीडीपी का 1.2% ही हम अभी खर्च कर पा रहे हैं हेल्थ पर। तो अगर अगले सत्र में हमारे पास एक्सपेंडिचर बढ़ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि डीमोनेटाइजेशन की वजह से कुछ रेवेन्यूज़ में एक साल के लिए कुछ जंप आता है, तो ये एक्स्ट्रा रेवेन्यूज़ को हम जो है हेल्थ की तरफ ज़्यादा खर्च कर सकते हैं। अभी भी हमारे लिए कई दिक्कतें हैं जिसकी वजह से खासतौर से पब्लिक सेक्टर के जो PHCs और CHCs होते हैं, पब्लिक हेल्थ सेंटर और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, उनमें कम जाते हैं लोग, तो उनको भी ढंग से इसमें बात कुछ हो रही थी कि MBBS कोर्सेज में कुछ ऐसा किया जाए कि गांव में, इसमें पहला हमारा जो एफर्ट चल रहा है, आपको पता ही है कि जो इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट जो है 1956 वाला, उसकी वजह से काफ़ी जिस तरीके से मेडिकल कॉलेजेस की गवर्नेंस है इस वक्त काफ़ी कमज़ोर है, तो नीति आयोग ने ये पूरा उस मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को एक नई बॉडी से रिप्लेस करने की सिफारिश की है। इस विषय में हमने एक पूरा बिल भी बनाया है जो इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 को रिप्लेस करेगा। तो पहला कदम इस विषय, पहले हमें मेडिकल एजुकेशन के एरिया में ये लाना है कि मेडिकल जो एग्जिस्टिंग मेडिकल एजुकेशन है उसको सही पटरी पर लाया जा सके। दूसरे हायर एजुकेशन को क्या आपको लगता है, हायर एजुकेशन को स्किल डेवलपमेंट से लिंक करना चाहिए? ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन इंडिया में बहुत लोग करके अनएम्प्लॉयड होते हैं, उनके पास कोई स्किल नहीं होते हैं, और तो वहाँ पे किस तरह के रिफॉर्म्स की जरूरत है? दो इश्यूज हैं। एक तो हमें जो है वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ की जो बात चल रही है, जो प्राइम मिनिस्टर ने खुद ने ये मुद्दा उठाया है कि हम 10 पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ और 10 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को लेकर उन्हें बढ़ाने की कोशिश करें, जो है वर्ल्ड क्लास लेवल पर लाएं, तो ये एक मुद्दा है जो हमें करना चाहिए। पर वोकेशनल का भी जो है कम से कम कुछ कोर्सेज हम जो हैं वो कॉलेज लेवल पे शुरू कर सकते हैं। असल में हम कोर्सेज जो है 10th से 12th क्लास के या इवन 8th से 12th क्लास के बीच में कुछ कोर्सेज इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जनरल कंसर्न भी है टैक्स बेस को लेके, इंडिया में 125 करोड़ के पॉपुलेशन में टैक्स बेस काफ़ी कम है, 4 करोड़ लोग हैं, 4.5 करोड़ लोग टैक्स रेट फाइल करते हैं और वो भी रिटर्न फाइल करते हैं, टैक्स एक्चुअली देने वाले कहीं बहुत और भी कम है। ये कितना इम्पोर्टेंट है टैक्स बेस को बढ़ाना और टैक्स रेट को रेशनलाइज करना? इसमें तो हमारी तो ये सिफारिश रहेगी, क्योंकि हम जो है टैक्स बेस को वाइडर से वाइडर बना सकें, क्योंकि असल में अगर आप टैक्स बेस नैरो होता है तो फिर रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए बहुत हाई रेट्स पे आपको टैक्स लगाना पड़ता है, तो जो टैक्स देते हैं वो बहुत ज़्यादा देते हैं और फिर दूसरे जो हैं वो बिल्कुल नहीं देते हैं, तो ये एक इम्बैलेंस की बात है और इकोनॉमी के लिए जनरल एफिशिएंसी के लिए भी ये अच्छा नहीं है, तो इसलिए हमें टैक्स बेस को ब्रॉड इसमें क्या कर सकते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम अभी भी टैक्स से एग्जम्प्टेड है और इंडिया के 50% से ज़्यादा जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर में ही हैं। किस तरह का रिकमेंडेशन नीति आयोग देती है कि इसको बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है? रिकमेंडेशन नहीं, मैं आपको एज एन इकोनॉमिस्ट बता सकता हूँ कि क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं। जैसे एक तो ये किया जा सकता है कि भाई आप जो एग्जम्पशन लिमिट होती है, अभी शायद हमारी 2.5 लाख की एग्जम्पशन लिमिट है, उसको हम उतना ही रखें, तो वरना क्या होता है कि फिर आपका 2.5 लाख से आपने मान लीजिए 3 लाख या 4 लाख कर दी, तो जो लोग फिर 2.5 लाख और 4 लाख के बीच में वो टैक्स बेस के से निकल जाते हैं, तो जबकि अगर आप 2.5 लाख पे रखते हैं तो जैसे जैसे इन्फ्लेशन होगा तो उसके साथ जो है लोग 2.5 लाख तक पहुँचेंगे,
तो टैक्स बेस में इंक्लूड होना शुरू होंगे। आप ये कर सकते हैं रिलीफ देने के लिए कि भाई जो शुरू का टैक्स स्लैब है उसको लिबरली लो रखें, तो जैसे अभी मान लीजिए 10% या तो ये कर सकते हैं कि उसको 10% को कुछ घटाएं, या ये भी कर सकते हैं कि जो 10% की जो 2.5 लाख से मान लीजिए अभी कितना 6 लाख है, जब तक 5 लाख अगर तक है तो उसको बढ़ा के आप 2.5 लाख से कह दें 7 लाख तक जो है हम 10% रखें, ताकि कम से कम जो बेस में तो लोग रहे ना। प्रधानमंत्री ने बात की है कैशलेस इकोनॉमी की, लेकिन इसमें एक बड़ा कंसर्न आ रहा है, अभी रिसेंटली पेट्रोल पंप डीलर्स के साथ आया कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट को लेके अभी भी ये क्लाइंट उसको कब करने के लिए क्या किया जा सकता है, क्योंकि अभी भी ये बड़ा कंसर्न हो रहा है कि लोग कैश में दे रहे हैं तो उन्हें ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं देना पड़ रहा है, अगर हम कार्ड से पे करें तो हमें ट्रांजेक्शन कॉस्ट, तो ये एक डिसइंसेंटिव हो रहा है लोगों के लिए। निश्चित इसको रिजर्व करने के लिए क्या उपाय हैं नीति आयोग के, क्या नहीं इसमें जो है नीति आयोग खुद भी काम कर रहा है, प्लस एक जो चीफ मिनिस्टर्स की कमेटी प्राइम मिनिस्टर ने अपॉइंट की थी वो भी इस पे वर्क कर रही है काफ़ी, उसका मैं भी मेंबर हूँ। तो इसमें अल्टीमेटली जो बात ये है कि जो MDR है मर्चेंट डिस्काउंट रेट, उसको हमें थोड़ा कम करना पड़ेगा, तो हो सकता है कि उसके लिए जो है सरकार को कुछ फंड क्रिएट करना हो या कुछ सब्सिडी के सोर्सेज टैप करने हों, पर ये आप सही कह रहे हैं कि अभी थोड़ा डिसइंसेंटिव है, क्योंकि अगर मर्चेंट डिस्काउंट रेट हाई है तो फिर लोग कैश में जाना चाहेंगे, इसलिए ये लेवल प्लेइंग फील्ड करने की कोशिश की जा रही है। तो ये हमारी जो चीफ मिनिस्टर्स की कमेटी है उसमें इस विषय में कुछ रिकमेंडेशन जरूर होंगे। आपने भी कुछ कंसर्न उठाए थे कि डिमोनेटाइजेशन में जो 2.5 लाख से ज़्यादा जमा किए हैं हाउसवाइफ्स जो हैं वो 2.5 लाख तक जमा कर रही हैं, उस पर कुछ PMO को शायद आपने चिट्ठी भी लिखा था कि कुछ सरकार को उनके लिए प्रिकॉशंस लेना चाहिए कि उनकी हैरेसमेंट ना हो सके। मैंने इन जनरल मैं इस बारे में कह रहा हूँ, मैंने कई पिछले दूसरे इंटरव्यूज में भी ये बात कही है कि हमें थोड़ा इस विषय में सोचना चाहिए कि जो जो हमारे रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको हम प्रिसिजन के साथ लिख दें, तो उससे ये होगा कि डिस्क्रिशन जो होता है टैक्स ऑफिसर्स का टैक्स ज़्यादा लेने का या कम लेने का या टैक्स लगाने का या ना लगाने का, ये निर्णय अगर आपके रूल्स बहुत साफ तरीके से नहीं लिखे हुए हैं तो वो टैक्स ऑफिसर के हाथ में चला जाता है, तो उससे फिर करप्शन का स्कोप बढ़ता है और उससे फिर हैरेसमेंट का भी स्कोप बढ़ता है। तो मैं ये कह रहा हूँ काफ़ी समय से कि हम ये रूल्स को थोड़ा प्रिसिजन के साथ साफ साफ लिख कर कोडिफाई कर दें, ताकि इसमें ये रास्ता बहुत कम रहे कि टैक्स ऑफिसर ये निर्णय ले कि आप टैक्स दोगे या नहीं दोगे या हायर रेट से दोगे या लोअर रेट से दोगे। तो उसी मुद्दे में मैंने कहा था कि ये भी कहा था कि भाई उदाहरण के तौर पर, मैंने ये नहीं कहा था कि उदाहरण के तौर पर जैसे ले सकते हैं कि 2.5 लाख, अब 2.5 लाख के बजाय 2 लाख ले सकते हैं या 3 लाख ले सकते हैं, मैं नहीं, मेरा मतलब सिर्फ उदाहरण के लिए मैंने 2.5 लाख लिया था कि भाई आप जो है 2.5 लाख तक के जो डिपॉजिट हुए हैं कह दें कि भाई इन पे कोई चेक इनकी कोई जो है स्क्रूटिनी ना हो, 2.5 लाख के ऊपर के अकाउंट्स की स्क्रूटिनी हो, या फिर आप 2 लाख से ले सकते हैं 3 लाख, जो लिमिट आप चूज करना चाहें जो भी, पर प्रिंसिपल ये हो कि इसमें लेके ताकि कोई लिमिट के अबोव जो है ही आप स्क्रूटिनाइज करेंगे।